स्तन कैंसर स्तन ऊतक से उत्पन्न होने वाला कैंसर है। आमतौर पर दूध के साथ नलिकाओं की आपूर्ति करने वाली दूध नलिकाओं की आंतरिक परत से। स्तन कैंसर मनुष्यों और अन्य स्तनधारियों की बीमारी है, जबकि मनुष्यों में अधिकांश मामले महिलाएं हैं। पुरुष भी स्तन कैंसर विकसित कर सकते हैं। आकार, अवस्था, विकास दर और ट्यूमर की अन्य विशेषताएं उपचार के प्रकार को निर्धारित करती हैं। कभी कभी स्तन कैंसर मेटास्टेटिक रोग के रूप में प्रस्तुत होता है, यानी कैंसर जो मूल अंग से परे फैल गया है। आमतौर पर हड्डी, यकृत, फेफड़े और ब्रेन ट्यूमर का सर्जिकल निष्कासन सबसे बड़ा लाभ प्रदान करता है। अकेले सर्जरी कई मामलों में इलाज का उत्पादन करने में सक्षम है। लंबे समय तक रोग मुक्त अस्तित्व की संभावना को कुछ हद तक बढ़ाने के लिए सर्जरी के अलावा कई कीमोथेरेपी आहार आमतौर पर दिए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जीवन भर के दौरान 8 में से 1 महिला को स्तन कैंसर का निदान किया जाएगा। स्तन कैंसर महिलाओं में सबसे अधिक प्रचलित कैंसर है और इसका प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में असाध्य रोगों जैसे ग्लम, कर्क आदि की संभावना का पता लगाने की एक सटीक विधि है, लेकिन इसके लिए सटीक जन्म विवरण होना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि किन ग्रहों, नक्षत्रों और भावों में किन परिस्थितियों में ऐसी घातक बीमारी की प्रबल संभावना होती है। अगर ऐसे व्यक्ति को परेशानी हो रही है तो उसे अवश्य पता होना चाहिए कि किस ग्रह या भाव के दूषित होने से रोग उत्पन्न हुआ है। अब उसे ज्योतिषीय आवश्यकता के अनुसार उस ग्रह विशेष की शक्ति या शांति के लिए उपाय करने चाहिए। निश्चय ही उसे रोग से मुक्ति दिलाने में बड़ी सहायता मिलेगी, कोई संदेह नहीं। ध्यान रखें कि लग्न पूरे शरीर का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि 4वां घर शरीर में छाती की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि 6वां भाव रोग का प्रतिनिधि होता है। अब देखिए लग्न, लग्न और लग्न की स्थिति मजबूत है या वे पीड़ित अवस्था में है। इसके बाद 4थे घर की स्थिति देखें, इसका स्वामी और उसका कारक। यह जानना आवश्यक है कि वे किस अवस्था में हैं। 3रे स्थान पर आपको रोग भाव यानी 6ठे भाव को देखना चाहिए। चिकित्सा ज्योतिष ग्रहों के विभिन्न संयोजनों की तलाश करता है जो स्तन कैंसर का कारण बन सकते हैं। कुंडली में कुछ क्रम परिवर्तन और संयोजन कैंसर युक्त स्तन कोशिकाओं के विकास की शुरुआत कर सकते हैं। आइए संक्षेप में उन संयोजनों को देखें जो स्तन कैंसर का कारण बन सकते हैं। राहु और केतु से पीड़ित होने पर स्तन पर कैंसर होने की संभावना रहती है। राहु और केतु के महत्वपूर्ण होने का कारण यह है कि ये ग्रह विष का संकेत देते हैं। जब नफरत, क्रोध और अपराध बोध का जहर बढ़ता है तो यह स्तन कैंसर और अन्य प्रकार के कैंसर के बीज बोता है। आप सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा ज्योतिषी एजे ओबरॉय से परामर्श और मार्गदर्शन और उपचार ले सकते हैं।